नहमदन अला रसूल करीम अम्माबाद फ़ायज़ बिल्ल मिनशन विश्विल्लर मोहतरम नाज्रन अल्लामकम नाज्रीन आज हमने इस मौज़ पर बात करनी है कि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो रमजानुल मुबारक में रोज़े के दौरान इंतहाई खतरनाक चीज़ है रोज़ा सब्र और तहल्ल का दर्स देता है रोज़ा हमें सब्र की तलकीन करता है इसमें हमने अपने आप पर कंट्रोल रखना है लेकिन होता अक्सर यूँ है कि हम लोग रोज़ा रख के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं हम लोग बाज़ार में जाते हैं तो गु़स्सा बहुत जल्द आ जाता है लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं और बाज़ा तो ऐसा होता है कि हम रोज़े के दौरान गुस्सा करना अपना हक़ समझ रहे होते हैं और घर में बच्चे डर रहे होते हैं कि आज आज बाबा का रोज़ा है आज हमारे वालिद का रोज़ा है तो बड़े गुस्से में हैं इनसे ज़रा बच के रहो ऐसा नहीं होना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप हयात तैयबा को देखें हमारे आका की ज़िंदगी बड़ी उम्दा ज़िंदगी आप रात में क़्याम फरमाते दिन में रोज़ा रखते सरकारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये थी कि जब मुबारक का महीना आ जाता तो आप कमर बस्ता हो जाते आप कमर मुबारक पर एक चादर बांध लेते ये अहल अरब की एक रिवायत थी कि अब अपने आप को काम के लिए तैयार कर लेना कि अब हम एक्टिव हो गए हैं अब बैठना नहीं है अब काम करना है और सरवर दोम वसल्लम रमजानुल मुबारक की रातों को जागते रात में सरवर आलम वसल्लम में इबादत फरमाते नवाफिला अदा फ़रमाते दुआएं करते इसके और दिन में आप रोज़े से होते और इसके अलावा आपका मुबारक आमल ये था कि आप लोगों के घरों पर तशरीफ़ ले जाते बेवाओं के पास जाते उनसे उनकी ज़रूरतें पूछते उनकी मदद किया करते थे आप यतीमों का ख़याल किया करते थे आप गरीबों और मिसकीनों की मदद करते थे आप उनका ख़्याल किया करते थे ये आप की आदत थी और शफीक शफीकतहाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत वाले इखलाक वाले उम्दा इखलाक वाले रोज़ा भी है इखलाक और ज़्यादा उम्दा गुस्से का नाम और निशान नहीं ऐसा लगता था कि ग़ुस्सा आपके करीब से भी नहीं गुज़रूँ यह सरकार दो वसल्लम का मुबारक में अमल हुआ करता था और आप इखलाक तो आपका वैसे ही इतना बुलंद कि अल्लाह करीम ने कुरान में फरमा दिया वन न का अला खलोकिन नज़ीम ए प्यार हबीब वसल्लम आप ना सिर्फ के उम्दा इखलाक के मालिक हैं बल्कि आप इखलाक के बुलंद तरीन मरतबे पर फायज़ हैं यह आपका इखलाक है और आपने ख़ुद क्या फरमाया फतहतुल मदीनता फ़तहतुलमदी कि मैंने अपने उम्दा इखलाक के ज़रिए मदीना फ़तः किया मदीना कोई आपने जंग के ज़रिए फ़तः नहीं किया तलवार उठा के फतः नहीं किया बल्कि अपने उम्दा इखलाक से मदीने को फ़तः किया और वो वाकया बड़ा मशहूर है कि एक खातून सारे रास्ते आलम सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम को गालियां देते जा रही है लेकिन आपने उस ख़ा का सामान उठाया हुआ और आखिर में जब मंजिल तक आपने उस खातून को पहुंचा दिया तो कहने लगी बेटा आप अपना नाम तो बताओ कि आप कौन हो मैं जब भी यहाँ आया करूँगी आपके यहाँ स्टे किया करूँगी आपके के यहाँ रुका करूँगी आप बड़े अच्छे लगते हो मुझे ऐसा कोई शख्स यहाँ नज़र नहीं आया इतने अच्छे इखलाक वाला कोई नज़र नहीं आया आप बड़े प्यारे हैं मैं आपके पास आया करूँगी आपका क्या नाम है तो आपका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अम्मा जी सारे रास्ते में जिस मुहम्मद को आप गालियां देते हुए आई हैं वो महम्मद मैं ही हूँ तो वो ख़ातून जो थी उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी ये चेहरा जो है ये झूठे का चेहरा नहीं हो सकता बेटा तुम वाकई बहुत अच्छे हो तो सरकार दो वसल्लम का इतना उम्दा इखलाक था लोग आपके इखलाक से मुतासर होते थे आप रोज़े में और ज़्यादा अच्छे इखलाक के मालिक हो जाते थे और रोज़ा तो वैसे भी सब्र की तलकीन करता है सब्र सिखाता है और अल्लाह पाक को सब्र बड़ा पसंद है रोज़े के अंदर सब्र है किस चीज़ से सब्र है कि अल्लाह की जायज़ नमतें हैं हमारे सामने मौजूद हैं लेकिन हम उसको हाथ नहीं लगा सकते हम उसे खा नहीं सकते इस्तेमाल नहीं कर सकते क्यों कि अल्लाह का हुक्म नहीं और ये रोज़ा वाकई अल्लाह और बंदे के दरमियान राज है ये ऐसी इबादत है बााहर एक शख्स रोज़े से है घर में जा के चुपके से पानी पी लेता है हमें और आपको तो नहीं पता ये तो सिर्फ़ अल्लाह जानता है या वो रोज़ेदार जानता है कि मेरा रोज़ा है अल्लाह का और बंदे का मामला है और फिर जैसे कि मैं, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि अल्लाह तबारक वाली ने इसका अजर बहुत ज़्यादा रखा है अजर अजीम है रोज़ा रखने वाले के लिए तो रोज़े के अंदर ग़ुस्से से बचें इससे हमारा रोज़ा तबाह हो जाता है ग़ुस्सा हमारे मज़हब के अंदर हराम है अल्लाह वाले कहते हैं कि अगर आपको ग़ुस्सा आ जाए आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, और लाहुवता बिल्ला हिलाली अज़ीम ये पढ़े ताकि आपका गुस्सा ज़ायल हो जाए गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है अल्लाह ताला को पसंद नहीं है गुस्सा जायज़ नहीं है हमारे मज़हब के अंदर और चाहे जाए कि हम इतने रहमतों वाले महीने में इतनी बरकतों वाले महीने के अंदर रोज़ा रख के अल्लाह का कुर्ब हासिल करके और फिर हम जो है गुस्सा करें तो गु़स्से से बचें और ख़ुद भी बचें गुस्से से और दूसरों को भी तलकिन करें कि इसमें गु़स्सा नहीं करना क्योंकि मैंने अपना ये मुशाह किया है कि हम ज़्यादातर इसी तरह हो रहा होता है कि रोज़ा रख लिया तो अब बाहर जा के गुस्सा हो रहे हैं अब हमने किसी दुकानदार से सब्ज़ी या फल ख़रीदने गए उससे लड़ झगड़ रहे हैं हम सवारी पे अपनी बाइक पे हैं कार पे हैं जा रहे हैं उसमें हमारी ड्राइविंग के अंदर तब्दीली आ जाती है अगर कोई अचानक आगे आ गया तो हम उसके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं हमारा मिजाज तलख हो जाता है जब ऐसा करना है तो फिर हमें रोजे का क्या फायदा है? रोजा तो इन सब चीजों की नफ़ी करता है रोजा तो हमें यह सिखाता है कि मालिक का कर्ब आपने हासिल करना है रोजा तो ये सिखाता है कि आप पहले से ज्यादा हलीमत तबाह हो जाएं, आपके अंदर सबर आ जाए सबर की इंतहा हो आप रोज़े के अंदर नेक काम करें लोगों से अच्छी तरह से मुलाकात करें अच्छी ज़बान में बात करें अच्छे लहजे में बात करें प्यार से बात करें मोहब्बत वाला अमल करें बच्चों के साथ अच्छे तरीके से आप पेश आएँ बच्चों से शफ़कत वाला रवैया हो वालदे की खिदमत की जाए वालदे का एहतराम किया जाए दूसरे इंसान का एहतराम किया जाए इंसान का इंसान की इज़्ज़त अल्लाह के यहाँ बड़ी ऊंची है आप ये देखें कि अल्लाह तबारक वाली ने बनी नए इंसान को इज़्ज़त इर्शाद हुआ वल क़द करम ना बनी आदम कि हमने बनी आदम को इज़्ज़त की मर्तबा अता किया क्यों माँ मरतबा अता किया इसलिए कि रब कायनत ने फरमाया खलक तू कि इसे मैंने पैदा किया पूछा गया कि या बारी ताला पैदा तो सभी को आपने किया इंसान किया जानवरों को भी चरिंद परिंद को भी कायनात के जर्रे जर्रे को आपने पैदा किया फरमाया बिल्कुल ठीक सबको मैंने पैदा किया लेकिन आगे फरमाया खलक तू बी या कि मैंने हज़रत इंसान को अपने इन दोनों हाथों से पैदा किया इसलिए मैंने इंसान को इज़्ज़त की, और फिर इंसान को इज़्ज़त करने की एक वजह और थी और वो वजह ये थी कि मैंने इंसानों के अंदर अपने हबीब सरवर कौन को पैदा करना था इसलिए मैंने इंसान को इज़्ज़त की इंसान को अपने हाथों से पैदा किया और फिर मुसलमान जिसके दिल के अंदर इस्लाम है जो कलमा गो है अल्लाह के नबी ने फ़रमाया मुसलमान की इज़्ज़त जो है वो बैतुल्ला से ज़्यादा है अल्लाह के नज़दीक एक मुस्लिम की इज्जत जो है वो अल्लाह के घर से ज़्यादा है बैतुल्ला से ज़्यादा है तो एक मुसलमान के साथ हम बद अखलाक़ी से पेश आए और वो भी रोज़े की हालत में तो क्या ये हमें जेब देता है हमें बिल्कुल जेब नहीं देता मुसलमान की कलमा गो की इज़्ज़त इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह के नबी ने फ़रमाया बैतल्ला से ज़्यादा जब मक्का फतह हुआ तो आपने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तहु से फ़रमाया बिलाल तुम काबे की छत पर चढ़ जाओ और वहाँ जा आजान दो हज़रत बिलाल अपना जूता उतारने लगे तो फरमाया नहीं जूते समेत चढ़ जाओ इसलिए कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि जिस दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है जिस दिल के अंदर ईमान है जो मुसलमान है उसका रुतबा इतना ऊंचा है कि काबे से भी ज़्यादा ऊंचा उसका मकाम है ये मुसलमान का मकाम और मरतबा है और हम मुसलमान को जो है ताने देते हैं लड़ते हैं बद अखलाकी से पेश आते हैं और वो भी रोज़ा रख के तो हमारे जुर्म की संगीनी किस कदर बढ़ गई जैसा कि मैं मिसाल के तौर पे अर्ज करता हूँ कि एक शख्स झूठ बोलता है झूठ बोलना गुनाह है इस पर कोई दो राय नहीं बिलाशुबा लेकिन एक शख्स मस्जिद में बैठकर झूठ बोलता है अब दोनों के झूठ बोलने में फ़र्क है एक चीज ने तो एक बंदे ने तो आम झूठ बोल दिया एक ने मस्जिद में बैठ के बोला अब फर्क यह है कि जिसने मस्जिद में झूठ बोला उसके गुनाह की संगीनी बढ़ गई कि उसने गुनाह तो किया झूठ बोलने का गुनाह तो उससे सरजद हुआ ही है साथ ही साथ उसने मस्जिद का तकदस भी पामाल किया कि अल्लाह के घर में बैठकर झूठ बोला इसी तरह गुस्सा तो आम दिनों में भी मना है आम दिनों में भी गुस्सा नहीं करना आम दिनों में भी आपने सब्र से काम लेना है रहमदली इख्तियार करनी है अच्छा इखलाक रखना है लेकिन एक तो हमने गुस्सा करने का गुनाह किया और दूसरा फिर माह मुबारक में किया फिर तीसरा हमने रोज़े की हालत में किया तो इसका मतलब ये है कि ये गुनाह की संगीनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई एक तो ये कि आपने हरमत रमजान को पामाल किया फिर रोज़े की हरहरमत को पामाल किया तो ये गुनाह की संगीनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इसलिए ख़ास तौर पर रोज़े की हालत में हमने इजतनाब करना है हमने इस चीज़ से बचना है कि हम गुस्से से बचें और अपने रोज़े का ख्याल करें इस महीने की हरमत का ख्याल करें इस महीने की रहमतों को हासिल करें इस महीने की बरकतों को हम हासिल करें इस महीने में दुआएं कबूल होती हैं हम दुआएं कबूल करवाएं, अल्लाह के हुजूर मांगें ये हमारे पास सीज़न का महीना है तो इसके अंदर इतने अच्छे आमाल हम कर लें कि हमें आख़रत में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े और फिर ऐसे आमाल हम कर जाएं कि सारा साल उन आमाल का हम पर असर रहे और फिर एक और चीज़ है वो है आमाल रमज़ान का तहफ़ फिर हम उसका सारा साल तहफ़ भी करते रहें कि जिस तरह हमें आदत हो गई है कि हम ऑफिस से जल्दी घर लौटते थे हम आते ही नमाज का अहतमाम करते हैं हम एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आते हैं दूसरों का ख्याल कर रहे हैं दूसरों की इफ़ारी का ख़्याल कर रहे हैं रोज़ा खुलवा रहे हैं तो हम इस तरह सारा साल जो है अपने अंदर यही खसूसियात अपनाए रखें कि हम नमाज का भी एहतमाम करते रहेंगे हम दूसरों का ख़्याल भी करते रहेंगे हम गुनाहों से बचने का एहतमाम भी करते रहेंगे तो ये अगर सारा साल ही हम ऐसा करने लग जाएं तो हमारी तो दुनिया ही चेंज हो जाए हम और आखरत हमारी कितनी उम्दा हो जाएगी तो दोस्तों यहाँ बात जो है वो काबिल तवज्जो इस लिहाज से है कि हमने यहाँ पर रमजानुल मुबारक के केमाल का तहफ़ भी करना है और रमजानुल मुबारक में हमने ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ करनी हैं जहाँ रमजानुल मुबारक में नेकियाँ करने से सवाब का दर्जा बढ़ जाता है वहीं पर इस महीने में गुनाह करने से गुनाह की संगीनी भी बढ़ जाती है तो गुनाह की संगीनी से बचना है यह ना हो कि हम गुनाह की संगीनी जो है उसके अंदर पड़ जाएँ तो हमें वो उतनी हमने नेकियां कमाई नहीं हैं जितने कि हम गुनाह कर लें बजाय हम फायदे में जाने के लॉस में चले जाएं जैसा कि बैतुल्ला की हदूद के अंदर अगर हम कोई नेक काम करते हैं तो हमें सवाब एक लाख गुनाह मिलता है यानी हदूद बैतुल्ला में अगर हमने एक रुपया खैरात की एक रुपया ख़र्च किया तो हमें सवाब मिलेगा कि हमने अल्लाह की राह में एक लाख रुपया ख़र्च किया ये तो है सवाब। और इसी तरह अगर हमने बैतल्ला की हदूद में कोई गुनाह कर लिया तो फिर गुनाह की संगीनी भी उस हिसाब से ही होगी इसी तरह रमजानुल मुबारक में जहाँ नेकियों का सवाब बढ़ जाता है इसी तरह गुनाह की संगीनी भी बढ़ जाती है तो हमने नेकियों की को हासिल करने की कसरत तो हम करते हैं कोशिश करते हैं हविस करते हैं और ये हविस बड़ी अच्छी है बड़ी उम्दा है अल्लाह के नबी ने पसंद की है कि ऐसी लालच होनी चाहिए ऐसी हविस होनी चाहिए कि नेकियों में एक दूसरे से हम सबकत ले जाएं, नेकियों में हम एक दूसरे से आगे बढ़ जाएं ये लालच होनी चाहिए ये अल्लाह के नबी ने पसंद की है लेकिन साथ साथ गुनाहों से बचने का अहतमाम भी करना है कि ऐसा ना हो कि हमने उतनी नेकियां नहीं कमाई जितने हम गुनाह कर लें तो फिर क्या फ़ायदा और वही बात कि रोज़ा जो है वो भूखा रहने का नाम नहीं है भूखा प्यासा रहना अल्लाह ताली को पसंद नहीं है अल्लाह ताली तो हमारा तकवा देख रहे हैं दिलों का कि हम अल्लाह से डर रहे हैं या नहीं उसके अहकाम की आवरी हो रही है या नहीं और अगर हमने रक्त तो रोज़ा लिया और साथ में हमने अल्लाह के अहकाम की ख़िलाफ़ वर्जी शुरू कर दी हमने गुस्सा करना शुरू कर दिया हमने मखलूक को तंग करना शुरू कर दिया तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है तो इसलिए इन दिनों में हमने ख़ास तौर पर जो तोज्जो देनी है वो इस तरफ़ देनी है कि हम रोज़ा रखें तो तमाम तर लवाजमात के साथ रखें और ख़ुराफात से बचें लुवियात से बचें अपने आप पर हमारा कंट्रोल हो बच्चों को डरना नहीं पड़े कि आज बाबा ने रोज़ा रख लिया है तो आज हमारी खैर नहीं बल्कि बच्चे और खुश हों कि आज तो और ज़्यादा नरम दिल हमारे वालिद हो जाएंगे आज इन्होंने रोज़ा रखा है तो आज और अच्छे होंगे आज इनका अखलाक और ज़्यादा उमदा हो जाएगा और बाहर भी लोगों को पता चले कि नहीं मुसलमान जब रोज़ा रख लेता है तो उसके मिजाज में तब्दीली ये आती है कि वो और ज़्यादा ख़ुश इखलाक हो जाता है उसका मिजाज अच्छा हो जाता है वो दूसरों की तलख तलखियाँ तलख बातें तलख जुमलों को भी बर्दाश्त कर लेता है और कोई ऐसा जवाब नहीं देता मुंह से कोई लगवियात नहीं निकालता कोई गाली नहीं पकता मुसलमान अपने रोज़े का बड़ा ख़्याल करता है मुसलमान अल्लाह के हुजूर अपने आप को पेश करता है आजज़ी के साथ इनकिसारी के साथ और आजजी और इनकिसारी अल्लाह को बड़ी पसंद है तो शख़्स आजजी इख्तियार करता है इनकिसारी इख्तियार करता है अल्लाह तबारक व ताली उसे बुलंदियाँ आता फ़रमाता है और अल्लाह तबारक व ताली को तकबर पसंद नहीं अकड़ पसंद नहीं ग़ुर पसंद नहीं अल्लाह को पसंद है आजजी अल्लाह को पसंद है इनकिसारी, और जब सरवरदालम सल्ह वसलम मराज पर तशरीफ़ ले गए तो रब कायन ने पूछा कै महबूब जब कोई महबूब अपने महबूब से मिलने के लिए आता है तो वो कुछ तोहफे तहाइफ लाता है कुछ गिफ्ट्स लाता है तो आप हमारे लिए क्या तोहफा लेके आए हैं तो अल्लाह के हबीब सरवर कौन अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की या बारी तला मैं वो चीज़ लेके आया हूँ जो आपके पास भी नहीं फरमाया महबूब ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे पास नहीं अर्ज़ की या बारी तला मैं आजजी लेके आया हूँ मैं मस्किनी लेके आया हूँ मैं यतीम हूँ मैं यतीमी लेके आया हूँ मौला तू मतकबर है अलमतकबर तेरी सिफ्त है जब्बार तू है कहार तू है मौला मैं आजिज़ हूँ मैं मिसकीन हूँ तू मिसकीन नहीं है ए अल्लाह तू यतीम नहीं है ए अल्लाह तू आजिज़ नहीं है मैं आजिजी ही ले कर तेरे दरबार में हाजिर हुआ तो जब ये गफ्ट लेके अल्लाह के हबीब अल्लाह के, अल्ला के दरबार में दाखिल हुए तो अल्लाह तबारक व ने बुलंदियाँ इस क़दर अता फ़रमाई जिसका कोई हिसाब नहीं क्या आप वहाँ तक गए कि जहाँ तक कोई तसवुर भी नहीं कर सकता था तो बात करने का मकसद वही है कि आजजी और इनके सारी को इख्तियार किया जाए वाखिर दावाना अनिलहमदल